बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही छोटी सी मगर बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है निमको चिप्स। जो आप निमको के अंदर चिप्स खाते हो ना, बारीक बारीक पतले पतले से, जिस तरह ये कटे हुए हैं जस्ट लाइक, इस तरीके के निमको चिप्स जो बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनते हैं। हमने बारीक सा इसको काट लिया था, कटर की मदद से कटेगा ये, इतना बारीक हाथ से नहीं कटता, मैं आपको बता ही दे रही हूँ। और हमने अब यहाँ पे कर लिया, जस्ट कुछ नहीं करना उसमें, ना नमक डालना, ना मिर्च डालना, ना मसाला डालना, कुछ नहीं डालना, ऐसे ही रखना उसको पानी के अंदर एक घंटे के बाद उसे निकालेंगे और ऑयल को हीट अप कर लेंगे। ऑयल ज़्यादा जाएगा इसके अंदर फिलहाल, ऑयल को हीट अप कर लेंगे और तेज़ तेज़ गर्म जो ऑयल होता है ना उसके अंदर हमने डाल के इसको हिला हिला के ऐसे फ्राई करना है, ठीक है। और ये याद रहे कि जिस तरह का मैंने आपको आलू दिखाया कट हुआ हुआ, इसी तरीके का आलू जो है कट हुआ हुआ होना चाहिए। हाथ से भी कट जाता है बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत होती है, लेकिन जैसे कि आराम से तौर पे पता है आपको कि वो प्याज कट करने वाले जो होते हैं और उस पर जो बारीक सबसे बारीक वाला होता है ना गेज, हमने उसको एडजस्ट करना है, सेट करना है और उस पर हमने आलू को रख के कट कर देना है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से बिल्कुल कागज़ी फॉर्म में जो आलू है ना ये हमारा कट हो जाएगा। बस इसका कुछ भी राज नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, आलू जितना बारीक होगा उतना ही मज़ेदार आपका निमको चिप्स बन के तैयार होगा। गैस यहाँ पे तेज़ रहेगी, अगर आप गैस हल्की करोगे तो ये भारी हो जाएगा और पीलेगा ऑयल को। ये देखिए जनाब, ये हो गया हमारा निमको चिप्स तैयार, क्योंकि इतना बारीक कटा हुआ था कि 2 मिनट के अंदर ही रेडी होके आपके हाथ में आ गया है ना मज़ेदार। और छोटी सी रेसिपी, बहुत ही छोटी रेसिपी है ये, इसको पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें छोटी सी टिप और ट्रिक है, 1 से 2, और अगर आप उसको ही फॉलो कर लेते हो तो आपके चिप्स जो है बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। चाहो तो इसको निमको में डाल के खाओ, चाहो तो इसको वैसे ही खाओ। चलिए हम दूसरा वाला भी डाल देते हैं इसके अंदर। गैस जो है मेरी वो मीडियम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना लो है ना हाई है, यानी कि लेकिन जो ऑयल है ना काफ़ी गर्म है। जैसे कि ये देखें, डालते के साथ ही आपको पता चलता है बबल्स कितने ज़्यादा ज़्यादा से आ रहे हैं ना। दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया और फिर से इसको दोबारा से स्ट्रेनर की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आपको इसको हल्का हल्का हिला देना है ताकि ये जो है ना एक दूसरे के साथ एक तो चिपकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें चिपने वाला हमने कुछ डाला ही नहीं है, बस ये एक दूसरे के साथ खिले खिले पकेंगे। थोड़ा थोड़ा हिला देंगे आप तो इससे क्रिस्पी ज़्यादा मज़ीद हो जाएंगे, ठीक है। और इसको आपने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको तल लेना है, इवन कि जब ये आपके हाथ में आएंगे ना तो इतने क्रिस्पी होंगे, इतने क्रिस्पी होंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा देख के ना। तो इसको आप जब चाहो बना सकते हो, बहुत ही इजी से बन जाएंगे। और इसके ऊपर जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं ना वो आपने बाद में ऐड करने हैं, ये याद रहे कि ये इसके अंदर ज़रूर ख्याल रखना है। देखें ये देखें इसको कितना ज़बरदस्त इसमें, ये देखें कितना अच्छा इसके अंदर वो आ रहा है, टेक्चर आ रहा है इसका। ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, यहाँ पर एक बारीक सा उठाएंगे सब इसी तरीके से, ये देखें कितने बारीक जैसे नमक पारे होते हैं जस्ट लाइक, यानी कि कुरकुरे से उस तरह के कुरकुरे बनते हैं ये और निमको में अक्सर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला बैच है वो भी तैयार होने वाला है, तकरीबन 2 मिनट लगते हैं जैसे इसको फटाफट से फ्राई हो जाता है क्योंकि बहुत ही बारीक से कटे हुए आलू होते हैं यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस सिर्फ इसको कट करने के लिए आपको ये देखना है कि आपने कट करने के बाद पानी में डालना है, 1 घंटे के लिए पानी के अंदर छोड़ देना है इनको, और इसमें ना कोई नमक ऐड होगा ना कोई और चीज़ ऐड होगी, ठीक है। जो भी मसाला जाएगा, जो भी फ्लेवरिंग हमने इसकी करनी होगी हम बाद में करेंगे। चलिए जी, हो गए यहाँ से 1 से 2 मिनट, इसको भी हमने कर लिया तैयार, रेडी हो गए हैं ये। ये देखें गोल्डन ब्राउन हमारे हो चुके हैं यहाँ पे और ऊपर भी आ चुके हैं, ठीक है। सतह पे आ जाते हैं जब ये ऊपर तैरने लगते हैं तो ये भी एक निशानी होती है कि ये हमारे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। चलें इसको भी निकाल लेंगे, सेकंड बैच को भी। जस्ट 2 आलू मैंने लिए थे, 2 आलूओं से देखिएगा आप कितने ज़्यादा ये चिप्स जो है वो बन के तैयार हो गए। बड़े साइज के 2 आलू थे मेरे पास, बिलफर्ज अगर आपके पास छोटे साइज के हैं तो 3 से 4 ले लीजिएगा बस। चलें इसे भी निकाल लेते हैं, स्ट्रेनर की मदद से निकालने का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर से ऑयल होता है ना सारा हमारा रिलीज़ हो जाता है, ऑयली नहीं बनते। अवल तो ये देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, सुबहानअल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी ये मेरे बाकी हैं, ठीक है, बनने वाले, बाकी बना के भी आपको टोटल दिखाती हूँ। चले जी, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, ये मेरी तकरीबन एक टोकरी छोटी सी है उसको भर के ये तकरीबन बन गए हैं, इतने बारीक कटे हुए थे, 2 आलू थे, जस्ट आप कह नहीं सकते, अमेजिंग नहीं कर सकते कि ये 2 आलू के साथ बनाए गए हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप यहाँ पे हम डालेंगे मसाला इसकी फ्लेवरिंग के लिए, आपका जो दिल चाहे डालिएगा। हम इसमें टोटल सिंपल चाट मसाला डालेंगे, नो झंझट, झंझट फ्री और डिलीशियस हमारे जो है रेसिपी है ये। बस जी चाट मसाला डालें और इसको करें इंजॉय। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, थम्सअप के निशान पर हाथ लगा दिया करें और फीडबैक दे दिया करें छोटा सा। अगर नई हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। शायस्ता जहाज को अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।